जय श्री राम दोस्तों, अगर आपको भी जीवन में सुख सौभाग्य समृद्धि और धन दौलत चाहिए तो आज ही घर में लाए मिट्टी से बनी ये सात चीजें। हिंदू धर्म में धरती को भी धरती माता कहा जाता है और मानते हैं कि धरती ऊर्जा शक्ति शुभ लाभ और सफलता का प्रतीक है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपने आसपास धरती या मिट्टी का तत्व जरूर रखना चाहिए। मान्यता अनुसार मिट्टी की कुछ चीजें घर लाने पर सुख समृद्धि और खुशहाली के द्वार खुल जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तो घर में होता ही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा घर से निकलने लगती है। सूर्यादि ग्रह और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ज्योतिष शास्त्र कहा जाता है। इसमें ऐसे कई उपाय बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र में मिट्टी से बनी चीजों का बहुत महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिट्टी से बनी कुछ चीजों को घर में रखने से व्यक्ति की मुश्किलें आसान होने लगती हैं। घर में मिट्टी की चीजें रखने से शुक्र बल बढ़ता है, जिसकी वजह से सुख समृद्धि धन दौलत निरंतर बढ़ती है और शुक्र के बल से शनि और चंद्र के दोष भी दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में मिट्टी से बनी ये सात चीजें रखने से चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। घर में इन चीजों का होना अनिवार्य है। एक, मिट्टी का घर। कई जगह ये परंपरा है कि दिवाली के दिन मिट्टी से एक छोटा सा घरोंदा घर बनाते हैं या बाजार से बना हुआ खरीद कर लाते हैं और माँ लक्ष्मी के साथ ही उसकी भी पूजा करते हैं। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से जिनके पास खुद का घर नहीं होता, एक साल में ही उनका भी माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से खुद का घर बन जाता है। दो, मिट्टी के खिलौने। घर में मिट्टी के खिलौने रखने बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ड्राइंग रूम में मिट्टी के खिलौने रखने से विशेष लाभ मिलता है। साथ ही इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है और धन का आगमन होता है। तीन, मिट्टी का गमला। घर में हमेशा मिट्टी के गमले में ही पौधे लगाने चाहिए, तभी उनकी शुद्धता और पवित्रता बनी रहती है। खासकर तुलसी के पौधे को मिट्टी के गमले में ही लगाएं। ऐसा माना जाता है कि मिट्टी के गमले में लगे पौधे में हमेशा भगवान का वास बना रहता है, जिस कारण घर में बरकत आती है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। चार, मिट्टी की मूर्ति। घर के मंदिर में कई तरह की धातुओं की मूर्ति रखी जाती हैं, लेकिन इनमें से मिट्टी की प्रतिमा रखना शुभ माना जाता है। मिट्टी से बनी भगवान की मूर्ति रखने से आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। श्री गणेश व माता लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति मंदिर में जरूर रखें। पांच, मिट्टी का घड़ा। घर में मिट्टी का घड़ा रखने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही नकारात्मकता दूर होती है। घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा के मध्य स्थान में पानी से भरकर मिट्टी का घड़ा रखने से शांति समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। वही मिट्टी का कलश रखना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। मिट्टी के कलश को लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रखने से विशेष फल प्राप्त होता है। मिट्टी के कलश में नारियल या चावल भरकर रखा जाए तो धन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। छह, मिट्टी के दीपक। ज्यादातर घरों में पूजा के लिए मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल होता है। मिट्टी का दीपक कभी भी अशुद्ध नहीं होता, उसे बिना साफ किए ही बार बार पूजा में उपयोग कर सकते हैं। मिट्टी का दीपक बहुत शुभ और शुद्ध होता है, लेकिन मिट्टी के दीपक को तिजोरी में रखने से भी लाभ मिलते हैं। मिट्टी के दीपक में अक्षत भरकर तिजोरी में रखने से धन लाभ होता है। सात, मिट्टी का कुल्हड़। मिट्टी का कुल्हड़ भी घर में अवश्य रखें। इसमें पानी भरकर प्यासे पक्षियों के लिए अपनी छत या किसी पेड़ के नीचे जरूर रखें। इससे नौकरी और कारोबार संबंधित समस्याओं का समाधान होता है और मिट्टी के कुल्हड़ में पानी पीने से मंगल दोष दूर होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें,
और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल शुभ विचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे जल्द मिलेंगे ऐसे ही नए शुभ विचार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।